लड़का लड़की का एक दूसरे को शादी से पहले देख लेना तो मना नहीं। मना नहीं है, लेकिन कुछ लड़के और कुछ लड़कियां कहती हैं कि हम एक दूसरे की सीरत के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानना चाहते हैं, तो किस हद तक तारुफ अलाइव देखिए, कुरान करीम ने एक मौके पर यह भी लिखा है कि अपने अज़्दिका और फलां फलां के पास अगर तुम खाना खाओ, इकट्ठे खाओ, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। खा अलग खाओ, खा इकट्ठे खाओ। अब इकट्ठे खाओ में जो ये तसव्वुर अगर हो कि बुरके पहन पहन के खाओ एक मेज पर, तो ये मुझे दुरुस्त नहीं लगता। ये खाने में जो अपने तन को ढांपना, और वो तो फर्ज है, वो तो अपनी बच्चियां अपने बहन भाइयों के सामने भी इस तरह रहती हैं। तो मेरे नज़दीक माँ बाप की मौजूदगी में, खानदान की मौजूदगी में अगर खाने की मेज़ पर इकट्ठे हों और चंद बातें करने का मौका मिल जाए, लेकिन अलग हो के नहीं, तो ये मना नहीं है। वैसे बाज़ अहमदियों को जो ऐसे माहौल में हैं, उनको अपने घर के रिश्ते नहीं मिलते, अजनबी रिश्तों से घबराते हैं, तो उनको मैं कह देता हूँ, बच्चियों के माँ बाप को, अगर तुम उनको घर बुलाओ, अपने सामने ऐसी मुलाकात करो, तो वो आदात को कुछ जिस हद तक मुमकिन है देख सकें। और ज़हीन आदमी बड़ी जल्दी शनाख्त कर लेता है, और जो ज़हीन नहीं है वो 100 मुलाकातों के बाद भी शनाख्त नहीं करता। ठीक है, ठीक है। जरूरे महे दिए आखिर जमा।